दोस्तों आज की कहानी है दीदी, काश मुझे भी आपके पति जैसा परफेक्ट पति मिलता। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शर्मिला आज अपने मायके आई थी अपने छोटे भाई की शादी में, क्योंकि शादी ब्याह का घर था तो सभी रिश्तेदार आ गए थे। शर्मिला की सहेली विवाह और उसके पति के आने का समय हो रहा था। पूरे घर में खुशी का माहौल था, बस शर्मिला थोड़ी परेशान थी। कारण था उसके अंदर हीन भावना। शर्मिला की शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। 20 साल 10 साल बड़े लड़के से मम्मी की बीमारी में बड़ी बेटी होने के कारण सभी ने फैसला लिया कि बेटी का जल्दी से हाथ पीला कर दिया जाए। अभी 12वीं ही तो कर रही थी शर्मिला और पहला रिश्ता मिलते ही आनंद फानन में शादी तय कर दी गई या कहीं निपटा दी गई। शर्मिला और उसके पति का कोई जोड़ नहीं था, इसी के चलते शर्मिला हीन भावना का शिकार हो गई। शर्मिला मसलती हुई लहर से अलड़ और गौरव शांत समुद्र जिसमें मिलकर लहर मसलना और इठना ना भूल जाती हैं। उम्र का अंतर, स्वभाव का अंतर। मैं एक डांसर थिरकती हुई सुर ले ताल में डूबी और गौरव हिंदी के प्रोफेसर पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहने वाले। शर्मिला अब एक पुत्र की माँ हो चुकी थी लेकिन गौरव से लगाव ना था, शायद कभी न होगा। और अब इसमें और दूरी को बढ़ाने के लिए शर्मिला की सहेली विभा का पति अभिषेक, जो बेद हसमुख गुनगुनाता हुआ लड़का बिल्कुल शर्मिला के सपनों का राजकुमार। शर्मिला की सहेली विभा और उसके पति आ चुके थे, लॉन में बैठे ही थे। इतने में विभा ने कहा, कितनी पतली हो गई वो शर्मिला, जीजाजी कहाँ है, बेटा कहाँ है, और उठ के गले लगने लगी। उसके पीछे पीछे अभिषेक भी था, हंसता गुनगुनाता। मैंने कहा अब तुम आ गए हो, अब रौनक होगी। हाँ अभिषेक जैसा ही तो पति सही था मुझे, आखिर क्या कमी थी मुझमें जो मुझे गौरव मिला। शाम को सब बैठे हंसी मजाक कर रहे थे जहाँ अभिषेक की हाजिर जवाबी और सूट खुले माहौल को उमंग भर रहे थे। गौरव एक नपी तुली मुस्कुराहट फेंक कर बेटे के साथ खेलने में व्यस्त थे। शर्मिला दीदी एक डांस हो जाए, मेरे भाई ने मुझे खींचा, गौरव को भी बुलाने लगा। उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर मना कर दिया। कुछ लोगों की फुसफुसाहट मेरा मन और खीन कर गई। शर्मिला के पति बहुत गुर्म हुए टाइप के लगते हैं। मैं पलटने वाली ही थी कि विभा के पति अभिषेक ने हाथ पकड़ कर रोक लिया। मैं हूँ ना आपका डांस पार्टनर। उस दिन मैं इतना खुलकर नाची, हालांकि मुझे अपनी सहेली की किस्मत से थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। सबके बहुत कहने पर गौरव गाना गाने के लिए तैयार हुए, मेरी तो हालत ही खराब थी। आज तो नाक कटवा देंगे ये, लेकिन मैं हाथ प्रब्ध रह गई जब उन्होंने गाना शुरू किया। वैसे तो तेरी ना मैं भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, अगर तू हाँ कहे तो बात होगी। और भी सब मन से सुन रहे थे। गाना खत्म होते ही पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। मम्मी ने आकर इनकी नज़र उतारी तो गौरव शर्माने लगे। आज मुझे ये कुछ अलग अलग लग रहे थे। सभी अपने रूम में सोने चले गए और हम दोनों सहेलियां सब पर अपने अपने जीवन की
बातें कर रहे थे। कितने सालों बाद हम मिले थे, बहुत खुश थी, लेकिन विभा कुछ सोच रही थी। यार शर्मिला, तुम्हारे और जीजा जी के बीच सब सही चल रहा है ना? मतलब मैंने डर के लंबी सांस लेकर कहा, तुम्हारे जैसा परफेक्ट पति तो नहीं है यहाँ पर, क्यों पूछ रही हो? विभा रोने लगी। आज जब जीजा जी गा रहे थे, मुझे लगा तुम्हारे लिए गा रहे थे, मुझे लगा तुमने मन स्वीकारा नहीं है। ऐसा है क्या? मैं सो गई, इसने कैसे समझ लिया जो बहुत अंदर की बात है? मैंने खुलकर बता ही दिया। यार विवाह, हमारे बीच उम्र का फर्क है, हमारे प्रोफेसर साहब कुछ ज़्यादा ही गंभीर है क्या? बोलो, तुम नहीं समझोगी, तुम लोग तो नवर हो। विवाह मेरे कंधे पर सिर रख कर सूप सा बैठी रही, फिर बोली, यार शर्मिला, जिसको जो नहीं मिलता है वही अच्छा लगता है। जीजा जी की गंभीरता उन्हें लाखों में एक बनाती है। तुम्हें ये जो अभिषेक की संसलता स्टाइल पसंद है ना, मुझसे पूछ कितना मुश्किल होता है। कभी कभी मैं उसका मुंह ताक रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने बात आगे बढ़ाई, अपने ही सजने संवरने से इनको फुर्सत नहीं मिलती, कभी मेरी ओर ध्यान नहीं देते, मैं बुखार से मर जाऊँ, कभी हाल तक नहीं पूछता। अभी से उर्मिल शर्मिला, मैंने देखा है जीजा जी तुमको खुश देखना चाहते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, किसी काम में रोक टोक नहीं, इतनी स्टेज प्रोमरेसस करती हो तुम, ये सब जीजा जी के सहयोग के बिना संभव है क्या? हाँ आ रही हूँ। अभी सिर्फ नीचे से सिला रहा था, वह बेसारी भागती हुई नीचे गई। मैं घंटों वहीं सब पर उसी तरह बैठी रह गई। एक एक घटना मेरे सामने घूम रही थी, गौरव का प्यार, देखभाल, समझदारी, कैसे मुझे उनसे लगाव न हुआ। आंखें और मन दोनों रो रहा था। सुबह होते ही मैं बदल चुकी थी, पूरा घर फूलों से सजाया जा रहा था, मैं मेरे अंदर भराई थी। गौरव को शायद ही इनके पास बैठी रही, इनके पास आकर कंधे पर सिर टिका दिया। गौरव हैरान होकर बोले, आज क्या बात है? आप कल कह रहे थे ना, अगर मैं हाँ कहूँ तो बात होगी और भी, आज बस वही बात है। गौरव ने खुशी से मेरा हाथ पकड़ा और मेरा लगाव बढ़ता गया।